आज अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे का समय है जब अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे। कोर्ट की तरफ से तत्काल राहत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल को। 5 जून को जमानत पर राउज वेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगा। ये बड़ी अपडेट दिल्ली से इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोपहर 3 बजे सरेंडर करेंगे। आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। चुनाव प्रचार के लिए उन्हें 22 दिन की अंतरिम जमानत पर भेजा गया था बाहर, ताकि वो चुनाव प्रचार कर सके, और कहा गया था कि 2 जून को एक बार फिर से आपको सरेंडर करना होगा। लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट का रुख किया गया, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया राहत की उम्मीद में, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है। अब राउज वेन्यू कोर्ट में 5 जून को एक बार फिर से मामले की सुनवाई होगी और 5 जून को जमानत पर फैसला राउज वेन्यू कोर्ट की तरफ से सुनवाया जाएगा। लेकिन आज 3 बजे, दोपहर 3 बजे अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे। उससे पहले दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली वासियों को साफ कहा कि चिंता मत कीजिए, सरकार हमें जेल से चलानी पड़ी तो हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन दिल्ली के कोई भी काम रुकने नहीं देंगे। तो आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों भरा दिन रहने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से उनके मुखिया जेल जाने वाले हैं, तिहाड़ जाने वाले हैं। 3 बजे का समय है जब 3 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे। कल भी इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि हो सकता है आज थोड़ी राहत मिले, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई। तो अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल, प्रचार कर चुके हैं, अंतरिम जमानत की अवधि भी खत्म हो चुकी है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 3 बजे सरेंडर करेंगे।